हेलो फ्रेंड वेलकम बैक इन माय चैनल आज की वीडियो में हम इस अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें साथ ही आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने ये थ्री मीटर और गेंजा फैब्रिक लिया हुआ है और इसके लिए मैंने लाइनिंग इसकी ढाई मीटर की ली हुई है लाइनिंग के लिए मैंने ये सैन्टून फैब्रिक लिया हुआ है सबसे पहले इसमें हम इसका बॉटम कट करेंगे तो लाइनिंग वाले कपड़े को मैंने डबल में फोल्ड करके रखा है लेंथ में अभी हम इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे लाइनिंग के लिए मैंने टोटल 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है इस तरह से हम फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे हम वेस्ट मार्क करेंगे तो वेस्ट मैं इसमें ट्वेंटी एट इंच की मार्क कर रही हूँ ट्वेंटी एट का चौथाई हिस्सा लेंगे सेवन इंच और इसमें एक इंच प्लस कर लेंगे यानी यहाँ पे एट इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे इस तरह से एट इंच पे हमने मार्क किया यहाँ आते ये नाइन इंच आ रहा है तो नाइन इंच को हम गोलाई में मार्क कर लेंगे इस तरह से हमने इसे मार्क कर लिया और इसके बाद हम इसकी लेंथ मार्क कर लेंगे तो ऊपर की साइड हम फोर्टीन इंच छोड़ देंगे टॉप पार्ट का है और अब इसकी टोटल लेंथ मार्क कर लेंगे तो यहाँ पे जितनी भी लेंथ आ रही है मैं इसमें टोटल मार्क कर रही हूँ यहाँ से बेस से ये थर्टी वन इंच आ रही है तो थर्टी वन इंच को हम इस तरह से गुलाई में मार्क कर लेंगे तरह से मार्क कर लिया अभी इसे लाइन पे हम इसे कट कर लेंगे अभी यहाँ से इसका एक पार्ट जो बंद है उसे भी कट करके हम अलग कर लेंगे इस तरह से ये हमारे पास दो पार्ट है फ्रंट और बैक के अभी हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को भी हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके रखेंगे जैसे हमने लाइनिंग को रखा था और लाइनिंग को इसके ऊपर रखेंगे बिल्कुल बराबर थे यहाँ पे देखिए जो किनारी वाली साइड है उसको मैंने कट करके निकाल दिया है यहाँ से हम मिला के रखेंगे वन साइड की तरफ वन साइड बिल्कुल बराबर से और इसी नाप की हम इसकी वेस्ट मार्क कर लेंगे लेंथ भी देखिए हम मार्क कर लेते हैं बाद हम इसे कट कर देंगे यहां से इसके किनारी वाली साइड हम कट कर लेंगे साइड से तो इस तरह से मैंने ये बॉटम इसका कट कर लिया मेन फैब्रिक पे अभी लाइनिंग पे हम इसका टॉप का पार्ट कट करेंगे तो फैब्रिक को मैंने फोर फोल्ड में रख लिया है और लेंथ इसकी मैंने फिफ्टीन इंच रखी है टॉप पार्ट की विर्थ में इलेवन इंच है ये अभी बंद वाली साइड से हम इसके शोल्डर मार्क करेंगे तो शोल्डर के लिए मैं इसमें सेवन इंच मार्क कर रही हूँ आर्म होल के लिए भी हम सेवन इंच मार्क करेंगे दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे इसके बाद हम इसकी चेस्ट मार्क करेंगे तो मैं इसे थर्टी सिक्स चेस्ट है इसका बनाया रहे उसका वन फोर्थ नाइन इंच होता है और दो इंच का हम मार्जिन ऐड करेंगे तो टोटल में यहाँ पे इलेवन इंच मार्क करूंगी इस तरह से मार्क किया अभी यहाँ आरमूल का हाफ मार्क करेंगे और गुलाई देंगे हाफ इंच अंदर से फ्रंट के लिए आरमोल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से उसके बाद वेस्ट मैं इसमें ट्वेंटी एट वेस्ट साइज के लिए मार्क कर रही हूँ तो उसका वन फोर्थ होता है सेवन इंच वन इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे प्लेट्स के लिए और दो इंच का मार्जिन ले लेंगे ले ले। तो टोटल तो मैंने टेन इंच ले लिया है थ्री इंच एक्स्ट्रा लिया है हल्की सी गुलाई देंगे और इसके बाद नेक मार्क करेंगे तो नेक विथ के लिए मैं इसमें थ्री पॉइंट फाइव इंच मार्क कर रही हूँ और यहाँ नेक डीप मार्क करेंगे तो नेक डीप के लिए बैक के लिए फोर इंच और फ्रंट के लिए मैं इसमें फाइव पॉइंट फाइव इंच मार्क कर रही हूँ बैक में हम इसे राउंड सेप देंगे इस तरह से राउंड सेप मार्क कर लिया और फ्रंट में हम हल्की सी इसे वी सेप में इसको मार्क कर लेंगे शोल्डर पे हाफ इंच की स्लोप देंगे और इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है अभी हम इसमें प्लेट्स के निशान लगाएंगे तो यहाँ से हम 3.5 इंच मार्क करेंगे और ऊपर की साइड से 10.5 इंच मार्क करेंगे इस तरह से मिला लेंगे वन इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था तो हाफ हाफ इंच दोनों साइड लेते हुए इस तरह से निशान बना लेंगे और यहाँ पे छोटा सा कट बना लेते हैं ताकि ये निशान दूसरी साइड भी बन जाए अब दूसरी साइड भी ये निशान हम बना लेंगे इस तरह से और इसके बाद इसमें से हम एक पार्ट हटा लेंगे और ये फ्रंट का पार्ट है इसको फिर से इसी तरह से फोल्ड करके रखेंगे और इसकी नेक और आर्म होल हम कट करेंगे बिल्कुल बराबर से रखते हुए नेक और आर्म होल हम कट कर लेंगे इस तरह से मैंने ये कट कर लिया फ्रंट पार्ट इसका और अभी मेन फैब्रिक पे हम इसे कट कर लेंगे तो फैब्रिक को देखिए इस तरह से डबल फोल्ड फोल्ड करके मैं रख रही हूँ और लाइनिंग को इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से बिल्कुल बराबर से सेम नाप की हम मेन फैब्रिक कट कर लेंगे तो इस तरह से ये मैंने मेन फैब्रिक कट कर लिया है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स के लिए अभी हम इसे स्टिच करेंगे तो दोनों सीधी वाली साइड मैंने अंदर की साइड रखी है इस तरह से रखते हुए नेक में हम सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ से देखिए फैब्रिक को सीधी साइड से रखा है लाइनिंग की भी सीधी साइड ऊपर की साइड है इस तरह से बिल्कुल बराबर से रखेंगे और नेक में हम सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से मैंने नेक में सिलाई लगा ली है अभी नेक में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके हम निकाल देंगे इस तरह से छोटे छोटे से कट्स बना लेंगे और इसके बाद ये जो बैक का पार्ट है इसमें भी हम नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे निकाल लेंगे इसमें भी हम छोटे छोटे से कट्स बना लेंगे और कट्स बनाने के बाद जो मेन फैब्रिक है उसको सीधी साइड में टर्न कर लेंगे इस तरह से देखिए टर्न कर लेना है और अभी दोनों की सीधी साइड ऊपर की साइड आ गई है इस तरह से इसके बाद हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे और चारों तरफ से इसे सिलाई लगा के स्टिच कर लेंगे उसके बाद इसकी हम प्लेट्स में सिलाई लगा लेंगे तो देखिए इस तरह से मैंने ये तैयार कर लिया है फ्रंट का पार्ट इसकी प्लेट्स में सिलाई लगा ली है और इसके बाद हम इसको बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे तो इस तरह से रख लेना है बिल्कुल बराबर से और वेस्ट में हमें सिलाई लगा लेनी है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स इसी तरह से ज्वाइंट कर लेने हैं बैक को भी इसी तरह से मिला के रखेंगे और उसमें सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है ये मैंने लेस ली है फ्रंट पार्ट में इसे हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से रखते हुए और उसके बाद हम इसके शोल्डर जॉइन कर लेंगे इसके बाद हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है तो फैब्रिक को मैंने फोर फोल्ड में रखा है और यहाँ से स्लीव की लेंथ मार्क करेंगे तो लेंथ के लिए मैं यहाँ पे टेन इंच पे मार्क कर रही हूँ इस तरह से और इतने कपड़े को हम कट कर लेंगे अभी और इसमें स्लीव मार्क करेंगे जैसे हम नॉर्मल स्लीव मार्क करते हैं यहाँ से थ्री इंच मार्क करेंगे और इसकी विर्थ देखिए मैंने टेन इंच ली हुई है इस तरह से नॉर्मल स्लीव में हम दो से ढाई इंच एक्स्ट्रा लेते हैं इसमें हम करीब थ्री या थ्री पॉइंट फाइव इंच एक्स्ट्रा लेंगे विथ्थ में इस तरह से हल्का सा हम स्लीव राउंड मार्क करेंगे और इसे कट कर लेंगे इस तरह से स्लीव हमने कट कर ली है अभी देखिए मैंने ये स्ट्रिप ले ली है स्लीव राउंड इसकी मैंने सेवन इंच की रखी है और विर्थ इसकी मैंने फोर इंच की रखी हुई है यहाँ से इस तरह से हमें इसे इसमें स्टिच करना है इस तरह से और यहाँ जितना भी एक्स्ट्रा आता है उसको हम सेंटर में प्लेट्स लगा के स्टिच कर लेंगे तरह से रखना है और सेंटर में छोटी छोटी सी प्लेट्स लगा के इसको स्ट्रिप के साथ हमें स्टिच कर लेना है तो इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है अभी स्ट्रिप को देखिए हाफ इंच फोल्ड करना है और एक और फोल्ड करते हुए हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है तो इस तरह से मैंने स्लीव्स इसकी तैयार कर ली है अभी हम इसे कुर्ती के साथ स्टिच करेंगे तो इसे इस तरह से खोल के रखेंगे यहाँ पे सेंटर मार्क कर लेंगे और इस तरह से मिला के रखना है अभी यहाँ भी देखिए जितना भी एक्स्ट्रा आता है उसकी यहाँ बिल्कुल सेंटर में प्लेट बना देनी है तो इस तरह से मैंने स्लीव को इसमें अटैच कर लिया है अभी हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो पलट के इसे उल्टे साइड से रख लेते हैं इस तरह से अभी यहाँ पे कुर्ती का सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे चेस्ट का वेस्ट का भी सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे और सेंटर से एक साइड हमें चेस्ट का वन फोर्थ और वेस्ट का वन फोर्थ मार्क कर लेना है दूसरी साइड से भी चेस्ट और वेस्ट दोनों का वन फोर्थ मार्क कर लेना है इस तरह से और इस तरह से मिला के रखना है और नीचे तक इसकी सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे स्लीव राउंड मार्क कर देंगे और इसे भी हम यहाँ तक इस तरह से मिला लेंगे दूसरी साइड से भी यहाँ भी स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे और इस तरह से मिला के इसमें हम सिलाई लगा लेंगे इसके बाद नीचे से इसके घेर को भी डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे तो मेन फैब्रिक की सिलाई एक साथ लगाएंगे और लाइनिंग को पकड़ते हुए एक साथ हमें सिलाई लगानी है तो इस तरह से देखिए इसकी घेर में मैंने लेस अटैच कर दी है और ये कुर्ती बनके हमारी तैयार है आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा थैंक यू